हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लाभ और हानि के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10% मूल्य में कमी होने पर 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। मतलब जो 10% का मूल्य था उसमें 25 किलोग्राम चाय अधिक मिली, तो 10% में 25 किलोग्राम मिली, तो 1% में कितने किलोग्राम हो जाएगी? 25/10। जो हमारा मूल्य था, जब 10% की कमी हुई तो ये 22,500 कितना बचा? 90% बचा। कमी होने पर 90%, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा? 25/10 और गुणा 90, काट देंगे 0 से, 0 काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 25×9=225। अब हमको प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य निकालना है। कुल चाय का मूल्य कितना है? 22,500। कुल जो टोटल चाय आई है वो आई है 225 kg। पर केजी निकालना है तो 225 से हम यहाँ क्या कर देंगे? भाग करा देंगे 22,500 को, तो 225/225 कर देंगे और काट देंगे 225 से, 225 कट जाएगा, बचा कितना? 100 बचा। तो पर केजी जो चाय का मूल्य है वो 100 रुपया है। आंसर डी सही हो जाएगा, 100 रुपया प्रति केजी। अगला क्वेश्चन है, करण ने एक शर्ट 490 में खरीदा और 5% हानि पर उसे राम को बेच दिया, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% हानि पर बेचता है और 490 में खरीदता है, ये 490 100% हुआ? 490 जो कीमत है वो 100% है। 5% हानि पर बेचता है, 95% पर बेचता है, तो 95% हमको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या है? 95% है, तो 100% बराबर कितना है? 490 है, तो 1%, 1% बराबर हो जाएगा 490/100। हमको ज्ञात करना है 95%, तो 95% हो जाएगा 490/100 × 95। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 49 की गुणा हम 95 से करा लेंगे, तो 9×5 45 और 9×9=81। 45 के 4 हासिल हो जाएगा कितना? 85। फिर 4 से गुणा करा लेंगे, 4×5=20 और 4×9=36 और 2 हासिल 38। जोड़ लेंगे, 5 5 8 8, 16×6=3 1=4, 4655 आया। बटा है 10, 10 से भाग करा देंगे, ये हो जाएगा 465.50 रुपये। एक के बाद में दशमलव लग जाएगा, 465.50 रुपये हो गया। तो ऑप्शन हमारा 465.50, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो करते हैं, ए ने बी को बेचा है 15% लाभ पर, 15% मतलब 115/100 इस कीमत पर बेचा है, और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि मतलब 100 में से घटाएंगे तो 90/100। सी ने इसके लिए 517.50 रुपये अदा किए हैं, तो 500 बराबर हो जाएगा 517.50। हल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देते हैं, 5×2=10 और 5×3=15 और यहाँ तुम्हारा कट जाएगा
पाँच दुनी 10, तो ए बराबर हो जाएगा 517.50 गुणे, तिरछा गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, 2 गुणा 100 नीचे था, ऊपर संख्या बची है 23 गुणा 9, काट देंगे 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 23 दूना 46, बचेगा कितना 4 1 5, 5 और 7 57 हो जाएगा, 23 दूना 46 2 हो जाएगा, फिर 11 बचेंगे, 23 दूना 46 गया, 57 में से 46 घटाएंगे तो 11 बचा, 11 और 5 115 हो गया, 23 पंजे 115 ये आ गया, 23 से कटा, फिर 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 और 25 नवा, 25 नवा 225 के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, 25 बार में कट गया 9 से, अब गुणा करा लेंगे, 25 दूना 50, 1 के बाद में दशमलव है, गुणा 100, 5 और 100 की गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 500, 500 रुपये, यही ने कितने में खरीदा था 500 रुपये में खरीदा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो ए ने इसे कितने में खरीदा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ए ने बी को कितने में बेचा है, 125% लाभ पर, तो 100 + 25 125/100 बी का मूल्य हो गया, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर, 100 + 20 120/100 ये सी के लिए मूल्य हो गया, इनटू सी ने डी को 10% लाभ पर, 100 + 10 110/100 ये डी के लिए मूल्य हो गया बेची, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो बराबर कितना हो गया 330, अंतिम मूल्य 330 हुआ। अब सॉल्व कर लेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100 कट गया, यहाँ काटेंगे 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100, 5 से 5 काट देंगे, अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 3 6, अब हल कर लेते हैं, तो ए बराबर 330 नीचे तिरछा गुणा जो करेंगे तो ये संख्याएं ऊपर चली जाएंगी, नीचे सिर्फ 2 और 10 बचा है, तो 2 गुणा 10/ नीचे ऊपर 3 गुणा 11, तो 11 3 33 और 33 एकम 33 कट जाएगा, इनकी गुणा करा लेंगे, 10 × 20 और 20 × 200, 200 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 200 रुपये इसका आंसर हो गया। ए ने इसे कितने में खरीदा था, ए ने खरीदा था 200 रुपये में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।